डॉक्टर, ये दवाई अपनी सर्जन के लेकर आइएगा। मैं अभी ले आती हूँ। डॉक्टर, ऋषभ जी की तबीयत? डरने की कोई बात नहीं है, उनको थोड़ी देर में होश आ सकता है। राखी जी, अरे आप रो क्यों रही हैं? अरे डॉक्टर ने कहा ना कि हमारा ऋषभ ठीक है। हाँ, रोइए मत, प्लीज प्लीज रोइए मत। मिस्टर ऋषभ होश में आ गए। राखी मॉम, ऋषभ। इसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की, वो भी तुम्हारे कहने पर। मुझे अर्जुन ने ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, ओके? एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना, और अगर ऋषभ से मिलने की कोशिश भी की ना, या हॉस्पिटल में आके उसे मिले, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं देखना, अब तो मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, उससे भी ज्यादा बदतर होना चाहिए था। इसी लायक है वो, उसने मुझसे मेरी जिंदगी का साथी, मेरा प्यार, मेरी पहचान, मेरा वजूद सब छीन लिया। कोई भाई ऐसा करता है क्या? कोई दुश्मन भी नहीं करता, पर भाई ने किया तो उसके लिए भाई वाली फीलिंग कैसे आएगी दिल में? मुझे तो ये भी नहीं पता करना कि अब वो कैसा है, जिंदा भी है या मर गया। ये रोड, ये हॉस्पिटल की तरफ जाती है ना, वही हॉस्पिटल जहाँ वो एडमिट है, पर मैं इस रोड पे टर्न नहीं करूंगा। नहीं, नहीं गया तो सच्चाई पता नहीं चलेगी। मैं भी तो जाके देखूं ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर कोई ड्रामा कर रहे हैं। मम्मा, ऋषभ, अब तबीयत कैसी है पुत्र? मैं एकदम ठीक हूँ मम्मा। पुत्र, मैं तो समझती थी तू बड़ी अच्छी गाड़ी चला लेता है, फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? पुत्र, गाड़ी चलाते वक्त आगे पीछे देख के चलाया करना। हाँ बेटा, अपनी माँ की बात को अपने पल्लू से गांठ बांध ले। जब भी गाड़ी में बैठेगा ना, तो चारों तरफ देखना 360 डिग्री। समझ में आई? डैड, लेकिन जीज, डैडी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ना आज के बाद कोई स्टंट मत किया करो, आप अपना ख्याल रखा करो प्लीज। यार तुम लोग मेरी गाड़ी चलाने के पीछे पड़ गए। मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ यार, वो तो मेरी खड़ी हुई गाड़ी में किसी ने ठोक दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? ऋषभ, करीना बुआ, आप रो क्यों रहे हो? रोने की कोई बात ही नहीं है करीना बुआ। आप, मैं एकदम ठीक हूँ, I swear I'm absolutely fine। मैं अभी आपके साथ घर वापस चल रहा हूँ। कहाँ ठीक हो? इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, कितनी चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको रोने की जरूरत थोड़ी है। आप रोएंगे ना तो फिर देखो मुझे भी पूरा रोना आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आई प्रॉमिस मैं नहीं रोऊंगी। आप लोग खुश रहते हो ना तो मैं खुश रहता हूँ, आप लोग उदास होते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, और मैं क्या कर दूँ कि आप मुझे उदासी चली जाए। प्लीज रो मत, प्लीज मत रो। ए सैमी, चुप कर। हुआ? मैंने अंजलि को अरेस्ट करवा दिया।